अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। मोड ऑफ न्यूट्रिशन ने पहला पार्ट था ऑटोट्रॉपिक मोड। द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म प्रिपेयर इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज। जब सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेज की बात हो रही है तो इसका मतलब क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, CO2 एंड वाटर की हेल्प से फूड सिंथेसाइज कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। एग्जाम्पल ग्रीन प्लांट, सर्टेन बैक्टीरियाज एंड ब्लू ग्रीन फंगस। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म कंटेन द ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल विच ट्रैप सनलाइट। जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनके अंदर एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। ये सनलाइट को ट्रैप करने का काम करता है। इसे हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे जब हम फोटोसिंथेसिस वगैरह पढ़ेंगे, काफ़ी डिटेल में पढ़ाया जा रहा है। नेक्स्ट आता है हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या है, कोई ऑर्गेनिज्म अपने फूड के लिए दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है। इन विच एन ऑर्गेनिज्म कैन नॉट मेक इट्स ओन फूड फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर एंड डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर इट्स फूड। ऑल एनिमल्स, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरियाज एंड फंगस। अब जो हीटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है कितने तरह का बताया था तुम्हें, तीन तरह का। पहला क्या था, होलोजोइक, जिसे एनिमल्स यानी कि हम लोग फॉलो करते हैं। दूसरा पैरासिटिक, पैरासिटिक जिसमें लाइज एंड टिक्स था या फिर लीचेस था। ठीक है, एंड तीसरा सेप्रोट्रॉपिक। कुछ बच्चे ना इसमें सिम्बायोटिक रिलेशन वगैरह भी पूछते हैं, वो आगे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, तो परेशान होने वाली कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी जो तुम्हें लगता है पूछनी चाहिए पूछ लेना, हम सब डिस्कस करेंगे। तो इसमें हमारे पास क्या आएगा, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, पैरासिटिक एंड सेपरेट पढ़ेंगे। इसे हम आगे पढ़ेंगे।